हाय फ्रेंड्स, मैं नीतीश कुमार प्रजापति आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल नीतीश प्रजापति स्टडी पॉइंट पर। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोलिक पंप के बारे में जानेंगे, हाइड्रोलिक पंप के टाइप्स के बारे में जानेंगे। हाइड्रोलिक पंप के दो टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और दूसरा नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। हम लोगों को जो पढ़ना होता है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप पढ़ना होता है, क्योंकि हमारा जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें हम लोग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का ही यूज करते हैं। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को जानने से पहले हम लोग हाइड्रोलिक पंप के बारे में अच्छे तरह से जानेंगे। तो हाइड्रोलिक पंप कहते किसको हैं? तो हाइड्रोलिक पंप एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी अर्थात प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोलिक पंप को हाइड्रोलिक सिस्टम का हार्ट भी माना जाता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? तो यहाँ हाइड्रोलिक पंप के बारे में लिखा हुआ है, फंक्शन ऑफ हाइड्रोलिक पंप। फंक्शन ऑफ हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक पंप का काम होता है इज टू कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी। हाइड्रोलिक पंप का काम होता है कि वह मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, डैट इज अर्थात प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी को ही हम लोग प्रेशर एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, इट इज़ द हार्ट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। पहले भी बताएं आप लोगों को कि इसको हाइड्रोलिक सिस्टम का हार्ट माना जाता है। तो इट इज़ द हार्ट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम एट इट जनरेट्स रिक्वायर्ड प्रेशर वर्क। यह होता है जो कि रिक्वायर्ड प्रेशर को जनरेट करता है। जितना हम लोगों को प्रेशर की ज़रूरत होता है उतना ही यह क्या करता है, जनरेट करता है। अब आगे हम लोग इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ से कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट्स के आधार पर थ्री देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक पंप। कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के आधार पर हाइड्रोलिक पंप का दो प्रकार होता है। पहला पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो हम लोगों को पढ़ना है। दूसरा नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो यह दो प्रकार का हाइड्रोलिक पंप होता है। नोट करके एक ठोक बात लिखा हुआ है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। करा इन आवर हाइड्रोलिक सिस्टम वी यूज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। हम लोग जो अपने हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज करते हैं वो कैसा पंप होता है? तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। अब जानते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहते किसको हैं। तो आसान भाषा में हम लोग जानेंगे कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहते किसको है। तो कहता है कि वैसा पंप जिसमें हाइड्रोलिक फ्लूड के डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस लगता है तो उस फ्लूड के अंदर हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी या प्रेशर एनर्जी जनरेट करता है। तो ऐसे पंप को हम लोग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप करते हैं। अगेन फिर से रिपीट कर रहे हैं कि वैसा पंप जिसमें हाइड्रोलिक फ्लूड के अगेंस्ट में कोई रेजिस्टेंस लगता है तो उस हाइड्रोलिक फ्लूड के अंदर हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी अर्थात प्रेशर एनर्जी डेवलप करता है या जनरेट करता है। तो ऐसे पंप को हम लोग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप करते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है क्या, एग्जाम में कैसे लिखना है। तो इन पीडीपी, पीडीपी कहने का मतलब
पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। इन पीडीपी एनी फ्लूड विच इज इनकम्प्रेसेबल, इनकम्प्रेसेबल का मतलब वैसा फ्लूड जो दबने को तैयार नहीं है, इज डिस्प्लेस्ड एंड इफ दिस फ्लूड हैव रेजिस्टेंस। तो वही कह रहा है कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में जो हाइड्रोलिक फ्लूड होता है उसके अगेंस्ट में हम लोग रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, तब उसके अंदर है जो कि हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करता है। तो ऐसे पंप को हम लोग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहते हैं। तो आगे कह रहा है देन हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज प्रेशर एनर्जी गेट्स जनरेटेड। कह रहा है तो उस फ्लूड के अंदर हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी क्या करता है, जनरेट करता है इन द फ्लूड सच पंप्स। तो इस प्रकार के पंप को हम लोग आर कॉल्ड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहते हैं। आई होप कि आपको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग प्रॉपर ढंग से नोट्स करते जाइएगा, वीडियो को पॉज करके इसका नोट्स आप लोग बना लें। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है देयरफॉर दिस पंप्स आर आल्सो प्रोवाइडेड विद सेफ्टी वाल्व। इस पंप में हम लोग सेफ्टी वाल्व लगाए हुए रखते हैं। अब हम लोग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के टाइप्स के बारे में जानेंगे जो कि हमारा सिलेबस में पढ़ना है। तो इसके टाइप्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट आने वाले वीडियो लेक्चर में फुल डिटेल्स में पढ़ाई करेंगे। तो आज हम लोग इसके टाइप्स के बारे में सिर्फ जानेंगे। टाइप्स ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। फर्स्ट गियर पंप, सेकेंड वेन पंप, थर्ड लोब पंप एंड फोर्थ पिस्टन पंप एंड लास्ट है जो कि स्क्रू पंप। इतना के बारे में हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग गियर पंप के बारे में जानेंगे कि गियर पंप क्या होता है, गियर पंप के कितने टाइप्स होते हैं। तो आप लोग जान लीजिए यहाँ से कि गियर पंप के दो टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल गियर पंप और इंटरनल गियर पंप। तो हम लोग आने वाले वीडियो लेक्चर में इन दोनों गियर पंप के बारे में भी जानेंगे कि एक्सटर्नल गियर पंप क्या होता है, इसके संरचना के बारे में जानेंगे, इसके फिगर्स जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में भी जानेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अब अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हाइड्रोलिक पंप के बारे में जानकारी हो जाए। और एक बात और, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के वीडियो लाते रहेंगे जो कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, तीन ठो लेक्चर और हमने डाल दिया है इस चैनल पर। तो आप लोग प्लेलिस्ट खोलकर वहां से इंडस्ट्रियल फ्लूड पावर के टॉपिक पर जाकर वहां से तीनों वीडियो देख सकते हैं। ये आज हम लेक्चर 4 डाल रहे हैं। आने वाले वीडियो लेक्चर में लेक्चर 5 में हम लोग गियर पंप के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।